59 पर क्या एक और बड़े मूव के लिए IRCTC तैयार हो रहा है? इस पर आपकी राय क्या होगी? जो आप पोलैंड फ्लैग की बात कर रहे हो, वो पोलैंड फ्लैग आपको यहाँ पे 3,980 पे देखने को मिला था। तो जिसने भी पोलैंड फ्लैग का डेफिनेशन देखा, उनको यहाँ पे 1,000 रुपए की रैली मिली है। अब एक छोटा सा पोलैंड फ्लैग समझ लीजिए, आप यदि आर्ली चार्ट में जाइए तो 3 दिन का कंसोलिडेशन और उसके बाद में आज मोमेंटम 5,000 के टारगेट के लिए बिल्कुल हम तैयार थे, और ये एक हमारा प्रिफर्ड काउंटर रहा है। हालांकि अभी भी पोजिशनल बड़े टारगेट है, बट ध्यान रखिए, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास भी पोजिशनल है वो 4,725 का स्टॉप लॉस रखिए, जिनको एक दिन के लिए स्विंग प्ले करना है वो 4,830 का स्टॉप लॉस रखिए। कल ITC आपको 5,000 के साथ में ऊपर में 5,150 के दर्शन करवाता हुआ नजर आएगा। IRCTC याद रखिएगा, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, वो प्रश्न सुबह टाटा केमिकल का भी मैंने बहुत हिचकते हिचकते पूछा था, क्योंकि रिस्क होता है। देखिए, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो प्लीज़ स्टे अवे, इतने बड़े स्विंग को आप नहीं खेल सकते, और रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो हाँ, ये जो है ना वो ग्रिप नहीं लेने दे रहा है एग्जिट करने वालों को या फिर शॉर्ट करने वालों को। स्टॉक डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पर 49।